नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक पर बुधवार के अल सुबह एक हादसे का शिकार वृद्ध को होना पड़ा। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने वृद्ध को पूरी तरह से रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में वृद्ध को सीतामढ़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जिनकी पहचान रीगा द्वितीय पंचायत अंतर्गत स्टेशन टोला सहारा इंडिया बैंक के समीप निवासी दीप लाल शाह की रूप में हुई है, जो की 60 वर्षीय है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार के अल सुबह परसौनी की तरफ से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रास्ते से गुजर रहे वृद्ध को आमने सामने से टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे से टक्कर लगा दी। इस दौरान दो बिजली के खंभे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में बिजली के तार नीचे नहीं गिरे, नहीं तो कोई जान जा सकती थी। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई और बिजली विभाग की टीम ने नए बिजली खंभे लगा दिए और बिजली सेवा दुरुस्त की। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।